डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। लजीज जायका हो और उसमें तरह तरह की सब्जियों का स्वाद ना हो तो मजा किरकिरा हो जाता है। खट्टी मीठी तीखी सब्जियां सभी को पसंद होती हैं, लेकिन आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग ज्यादा मसालेदार सब्जियां खाने की बजाय कम मसालेदार सब्जियां खाना पसंद कर रहे हैं। सब्जियां जो हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं और हमारे किसानों के लिए भी, क्योंकि इनकी खेती से अच्छी आमदनी उन्हें मिल सकती है। आज के हमारी इस कड़ी में सब्जियों की खेती करने वाले एक ऐसे ही सफल किसान डॉक्टर शिव पूजन सिंह जी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। बता दें, ये अपने खेतों में उगाए जाने वाली लौकी के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी पहचाने जाते हैं। तो फिर आइए इनके सफर को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित फैजाबाद का इतिहास गौरवशाली रहा है, जो कि अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, जो श्री राम प्रभु का जन्म स्थान है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2522 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 3 लाख, 5 तहसीलों और 11 विकास खंडों में विभाजित है। उत्तर में घाघरा और दक्षिण में गोमती नदी से घिरे होने के कारण यहाँ खरीफ और रबी दोनों फसलें होती हैं। जनपद में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत लगभग 94% है। ऐसे में किसान सरकारी अनुदान से डेयरी, मत्स्य, मुर्गी, मधुमक्खी पालन के अलावा सब्जियों की खेती को महत्व देने लगे हैं। पैदावार को बढ़ावा मिल रहा है और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हमारे सफल किसान शिव पूजन सिंह भी कुमारगंज फैजाबाद के निवासी हैं। खेती किसानी से उनका पुराना रिश्ता है। आर्थिक तंगी के बीच उन्होंने कृषि की पढ़ाई की और सब्जियों की नस्ल सुधारने के लिए काम किया। 1982 से 2015 तक आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। कृषि रिसर्च के लिए 2 साल तक विदेशों में रहे, विभिन्न सब्जियों पर शोध किया और स्वदेश वापस चले आए। यहाँ उन्होंने लौकी पर शोध करना शुरू किया। पहले लौकी टेढ़ी मेढ़ी और भद्दी होती, उसकी सब्जी लोगों के गले नहीं उतरती। लेकिन जब लौकी के औषधीय गुणों की जानकारी हुई तो शिव पूजन सिंह जी ने उस पर गहन शोध किया और लौकी को एक अगेती फसल, अच्छी उपज, खाने और देखने लायक प्रजाति बनाया। उनके द्वारा तैयार लौकी की लंबाई 6 फीट से भी अधिक होती है। लौकी की गिनती औषधीय गुणों वाली सब्जियों में होती है। अंग्रेजी में इसे कैलावस, मराठी में दूधी और उत्तर भारत में घिया कहा जाता है। लौकी का जूस सुबह खाली पेट पीने से अम्ल और पित्त का नाश होता है। यानी लौकी एक क्षारीय सब्जी है, लेकिन भूल कर भी कड़वी लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए, ये घातक हो सकता है। जिस प्रजाति की खोज डॉक्टर शिव पूजन जी ने की है उसके कई गुण और फायदे हैं। किसान भाइयों, किचन गार्डन में काम करने वाले प्रिय बंधुओं, बहनों, किसी भी फसल के लिए, उसकी सफलता के लिए, उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक तो होती हैं। प्रजाति के लिए पहली वो अगेतीपन उसमें हो, अधिक उपज हो, बीमारियों के प्रति अवरोधीपन हो और उसमें खाने में गुणवत्ता हो। सन 1988 में लौकी बहुत निगलेक्टेड फसल थी। अगर किसी से पूछ लीजिए कि सब क्या सब्जी बनी है घर में, तो भूख आधी हो जाती थी। लेकिन आज की बात जो है ऐसी हो गई है कि पूछें लौ किस चीज़ की सब्जी बनी है तो भूख बढ़ जाती है। तो लौकी उस समय निगलेक्टेड थी, लेकिन हुआ क्या, मेरी सोच का प्रभाव ये था कि रामदेव बीच में आ गए। स्वामी रामदेव जी ने
इसको महत्ता लौकी का बताना शुरू किया और जगह से मेडिसिनल वैल्यू का इसका आना प्रारंभ हो गया था। तो मैंने ये कहा कि थी अभिलाषा शिव पूजन की, लौकी करे विकास, बजा बिगुल स्वामी रामदेव का लौकी चढ़ी आकाश। पहले गांव और शहरों में मचान, छतों और किचन गार्डन में लौकी उगाई जाती थी और घरेलू खपत के बाद आसपास पड़ोस में बांट दी जाती थी। 1988 के बाद लौकी की खेती को एक व्यवसायिक नजरिए से देखा गया। आज बाजार में लौकी की बढ़ती मांग ने हमारे कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है और लौकी की नस्ल को सुधारने में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि हमारे सफल किसान ने कौन कौन सी प्रजातियों की खोज की है और कैसे उसे अपने लिए मुनाफेदार बनाया है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में चार चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए रुख करते हैं फादर ऑफ लौकी के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर शिव पूजन सिंह जी का। उनसे अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उनसे होने वाले मुनाफे के बारे में भी उनसे जानते हैं। लौकी मंदिर में आपका स्वागत है। लौकी मंदिर शिव पूजन जी का एक नया कॉन्सेप्ट है। इस म्यूजियम में आपको गोल, लंबे, टेढ़े मेढ़े, मोटे और बहुत लंबे आकार की लौकियों से दीदार होना पड़ेगा। इस नुमाइश में लौकी का क्या उपयोग है, शिव पूजन जी बयां कर रहे हैं। सुनते हैं शिव पूजन जी की कुछ कविताएं जिसमें लौकी की उपयोगिता बताई गई है। जो कविता हमने लिखी है उसमें ये लिखा हुआ है, वैसे सब्जी बहुत हैं इस सुंदर जगमाए, चाहे जितना जो कहे लौकी जस कुछ ना है। अफ्रीका में जन्मी लौकी भारत प्रिय ससुराल, नवगृह की सुचकर्म भूमि में हुई रूप से मालामाल। लौकी की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुई, लेकिन ये भारत में सबसे ज्यादा विविधता इसकी पाई जाती है। इसको सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। जितनी लौकी आप देखेंगे, जितने मचान पर, जितने इधर उधर देखेंगे, वो तरह तरह के उसके रूप होते हैं। इसी रूपों में से एक ये भी रूप है। ये जो हमने इसको वैरायटी को कहीं से जो कलेक्ट किया था किसी किसान के यहाँ से, तब ऐसी नहीं थी। ये थोड़ा मोटी थी, लंबी कम थी, इसकी लंबाई बढ़ाया और पतली इसको बना दिया शंख, जिससे आसानी से इसकी बन सके। और जो औषधि गुण हमने आपको बता ही दिया, उसके अलावा जो है संगीतों में वाद्य यंत्र तुम, जलधारा में नैया लौकी, संगीतों में वाद्य यंत्र तुम, जलधारा में नैया लौकी, मैं खाने की पैमाना तुम, साधु संत की तुमड़ी लौकी। जिस तरीके से इसका हम उपयोग करना चाहें उस तरीके से इसके उतने अलग अलग रूप हैं। तो ये तो इसके उपयोगिता के बारे में हो गया कि केवल सब्जी नहीं है बल्कि इसके उपयोग विभिन्न प्रकार के। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, इसके लिए कम लागत की, अधिक दिन चलने वाली अच्छी पैदावार की फसल का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए खेती के साथ साथ जैविक सब्जियों की खेती पर सरकार और कृषि वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं। शिव पूजन जी ने सब्जियों की जिन फसल पर काम किया है उनमें लौकी की 10, कोहड़े की 4, परवल की 3 और करेले की 1 प्रजाति कम लागत में अधिक पैदावार दे रही हैं। अगर गुणवत्ता की कसौटी पर कसें, तो लौकी की 4 प्रजातियां अधिक लोकप्रिय हैं।
इनमें नरेंद्र माधुरी, नरेंद्र धारीदार, नरेंद्र शिवानी और नरेंद्र शंकर मुख्य हैं। इनकी फसल देखने में सुंदर, लंबाई में 6 फीट से अधिक और खाने में स्वादिष्ट हैं। कोहणे की प्रजाति में नरेंद्र उपकार, नरेंद्र अमृत, नरेंद्र शिशिर और नरेंद्र घाटीदार उत्तम फसल हैं। ये बीज रहित होती हैं, जिससे हलवा बनाया जा सकता है। जब से लौकी की उम्दा प्रजाति का आविष्कार हुआ है, लौकी की लोकप्रियता देश में काफी बढ़ी है। नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र माधुरी, नरेंद्र शिशिर किसी भी जाति से भिन्न है। उत्तर भारत में लौकी की बुआई का समय जुलाई से मध्य अगस्त तक होता है, जबकि दक्षिण भारत में जुलाई से जनवरी तक लगाई जाती है। 10 से 20 जुलाई के बीच इस प्रजाति की लौकी की बुआई करते हैं, तो 10 से 20 अक्टूबर के बीच जो फल बनेगा उसकी लंबाई 6 फीट से अधिक होती है। दूसरा, ये फसल प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील है, इस कारण इनकी लंबाई अन्य के मुकाबले 6 फीट से अधिक हो जाती है। अच्छी पैदावार के लिए किसान 8.5 फीट की मचान या नेट का इस्तेमाल करते हैं। लौकी फसल की खास बात यह है कि ठंड के कारण सामान्य लौकी के पौधे नष्ट हो जाते हैं और किसान को मुनाफे की जगह घाटे का सामना करना पड़ता है, जबकि नरेंद्र माधुरी, नरेंद्र शिशिर ठंड के बाद भी सामान्य गति से फल देने लगती हैं। किसान भाइयों के अलावा जो गृह वाटिका में काम करते हैं, उसके अतिरिक्त लगता है कुछ छात्र भी हमको सुन रहे होंगे, देख ले रहे होंगे, तो उनके लिए ये बताना जरूरी है कि ये आखिर वैरायटीज कोई भी किसी भी फसल में, सब्जी में हो चाहे फील्ड क्रॉप में हो, आखिर फसल कैसे सुधार किया जाता, कैसे वैरायटी डेवलप की जाती है। तो इसके कुल 7 प्रोसीजर मुख्य हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब कहीं किसी दूसरे देश से या कहीं दूसरे राज्य से प्रजाति मंगा करके अपने यहाँ उगाने लगे तो उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। और दूसरा है सिलेक्शन या चुनाव, कहीं से भी कोई भी, कहीं खेत से किसान के यहाँ से कलेक्ट करके कोई भी मटेरियल लाए तो उसमें चुनाव किया जाता है, उसमें सेल्फिंग की जाती है, कंट्रोल पॉलिनेशन किया जाता है और उसका सिलेक्शन 6 से 7 साल तक किया जाता है। तब उसके बाद उसमें जो सबसे स्थिर जीनोटाइप रहता है उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो दूसरा प्रोसीजर हो गया सिलेक्शन। और तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से 2 वैरायटीज का क्रॉस करके उसके जो सेग्रीगेंट होते हैं F2, F3 जनरेशन्स में, F1 के बाद F2, F3, F7 जनरेशन तक उसमें भी सिलेक्शन किया जाता है। तो उससे जो प्रजाति प्राप्त होती है उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त प्रजाति। और हाइब्रिडाइजेशन से हमने नरेंद्र धारीदार को प्राप्त किया, जिसमें नरेंद्र स्टाइप फ्रूटेड और नरेंद्र रश्मी का क्रॉस करके नरेंद्र धारीदार वैरायटी विकसित की गई। लौकी की अच्छी फसल लेने के लिए बीजारोपण विधि ठीक से करनी चाहिए। सबसे पहले 50 सेंटीमीटर का थाला बनाएं, उसमें गोबर की खाद डालें और 2.5 सेंटीमीटर गहराई में लौकी की 5 से 6 बीज लगाएं। 1 सप्ताह बाद जब पौध उग जाए तो 20 दिन बाद 2 स्वस्थ पौध छोड़कर बाकी को निकाल दें। पौध को समुचित मचान दें। मचान विधि से प्रति हेक्टेयर पैदावार 700 से 1100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है और अप्रैल तक मिलती रहती है। इस अगेती खेती से किसानों को उम्मीद से अधिक फायदा होता है। नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र धारीदार की खेती करने वाले किसानों को पौध में लगने वाले कीड़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। पौध के जमते समय काले धब्बे वाले लाल कीट पौध को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए फेन्युअलरेट नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। 20 से 25 दिन बाद एक बार फिर बॉटल गार्ड कीड़ों का अटैक होता है। नियंत्रण के लिए टाटामिडा या एमिडा के घोल का छिड़काव करना होता है। 40 से 50 दिन के बीच फिर एक बार कीटों का अटैक होता है, लेकिन सावधानी के कारण वे फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और अच्छी पैदावार मिलती रहती है। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद लौकी की खेती के बारे में अन्य वैज्ञानिकों से भी लेंगे सलाह। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मिले, हाँ,
मिलकर इस नए भारत में चार चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेंस नुत्सन। IPL Biologicals फसल को कीड़ों, रोग दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अन्य वैज्ञानिकों का क्या कहना है लौकी की खेती के बारे में जानते हैं। खेती और बाड़ी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। खेती में अन्न की उपज होती है जबकि बाड़ी में सब्जियों और औषधीय गुण वाले लता और पौधे उगाए जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक साथ दोनों की पैदावार ही किसानों को अच्छी आय दिला सकती है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं डॉक्टर राणा प्रताप सिंह जी से, जो लखनऊ के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से अपर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उद्यान और कृषि ये दोनों ऐसे पहलू हैं जो किसानों को आवश्यक है। कृषि में जो है फसलें ली जाती हैं और उद्यान विभाग में जो सब्जी की खेती है, फूलों की खेती है और आपके जो है मेडिसिन जो इसकी खेती की जाती है। हमारे यहाँ विभाग में तमाम योजनाएं भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं जो किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। उसमें जो है ग्रीन हाउस, पैक हाउस की भी व्यवस्था है। किसान अगर अपने खेत पे पैक हाउस बनाना चाहता है तो दो कमरा और बरामदा 6x9 मीटर का बनाता है, उसमें 50% जो है सब्सिडी मिलती है 2,00,000 रुपये। अपने किसान पे हर किसान बना सकता है। जहाँ तक सवाल है हॉर्टिकल्चर में खेती करने की बात है, उसका मैं जिक्र ये करना चाहता हूँ कि हमारे सेवानिवृत्ति जो है प्रोफेसर डॉक्टर शिवपूजन सिंह साहब कुमारगंज फैजाबाद से रिटायर हुए हैं, जो सब्जियों पर काम पूरे 1982 से लेकर के 2015 तक उन्होंने किया है। और ऐसा ईमानदार, वैसा मेहनती और वैसा साइंटिस्ट जो है बिरले है। इनको अगर फादर ऑफ लौकी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने जो है 1982 में कुमारगंज फैजाबाद में इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद सतत 2 साल विदेश में भी उन्होंने सेवा किया है। इसके बाद कौन लगातार कुमारगंज में रह करके इनको लौकी की फसल दी गई थी। लौकी की फसल आप जानते ही हैं कि पहले जो है कमर्शियल लौकी नहीं होती थी, टेढ़ी मेढ़ी होती थी, छोटी मोटी होती थी, कोई वैरायटी उसमें बढ़िया नहीं निकली थी, लोग कम जानते थे उसके बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में कम जानते थे। लेकिन जब से डॉक्टर एसवी सिंह साहब ने इस क्रॉप को लिया और इन्होंने जो है 10 वैरायटी निकाला है लौकी की और इन्होंने सतत काम किया है उसमें, राज्य स्तर पर और भारत स्तर पर दिल्ली में भी पुरस्कार इनकी लौकी को मिला है। और लौकी में 2-3 चीज़ें जो मेन जरूरी हैं, इसका प्रोडक्शन अच्छा हो, गुणवत्ता अच्छा हो और कम से कम खाने योग्य हो। किसानों के बीच खेती बाड़ी एक साथ करने की चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। सब्जी विज्ञान विभाग के सहायक अध्यापक डॉक्टर आस्तिक झा ने एक साथ सब्जियों की कई फसल उगाने का प्रयोग किया है। जानते हैं उनके द्वारा उगाई गई सब्जियों के फायदे क्या हैं। जब से यहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, किसानों को सब्जियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है एक अच्छे बीज के उत्पादन की। हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए हमारे विभाग ने एक नरेंद्र सब्जी बीज के नाम से मिनी किट बनाया, जिसमें हम 14 तरह की सब्जियों का पैकेट उनको लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे वो अपने बैकयार्ड में, अपने किचन गार्डन में सभी सीजन में सब्जियों का उत्पादन अपने परिवार के खाने भर के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें हम ठंडे समय की, बरसात की, गर्मी की सभी तरह की सब्जियों का बीज रखे हुए हैं पैकेट में। इसके बीज बन जाने से, इस पैकेट के हमारे बन जाने के बाद से असर हुआ है कि हमारे जो आसपास के जिलों के किसान हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसान व्यक्तिगत रूप से इस प्रजातियों को ले जाके, जो आचार्य नरेंद्र देव द्वारा विकसित की गई हैं, उसको ले जाके अपने लिए खेती में उपयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने पहली बार किसानों और किचन गार्डन के लिए 14 सब्जियों के बीजों का एक किट तैयार किया है। इस किट से आसपास के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य में किट की बढ़ती मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय ने निकट भविष्य में और अधिक मिनी किट बनाने का फैसला किया है। इन सब्जियों को हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि किसान भाई ज्यादा कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मुनाफा कमा लें, जिसके वजह से हम इस तरह का सब्जी मिनी किट तैयार किए हैं। ये उत्तर प्रदेश के 3 जो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें पहली बार इसको हमने बनाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में तो ये मिनी किट तैयार किए जाते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में ये अभी तक नहीं थे। पहली बार माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार ये सब्जी मिनी किट तैयार किया गया है, जिसको हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले साल से हमने शुरू किया है, अगले साल तक हम इसको बृहद स्तर पे उपलब्ध करा देंगे किसानों को। भारत सरकार और भारत सरकार का उपक्रम नाबार्ड भी नई कृषि क्रांति की राह देख रहा है। किसानों को हर संभव मदद के लिए प्रयास भी कर रहा है, ताकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हमारे देश के किसान जल्द तरक्की कर सकें और देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभा सकें। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने फादर ऑफ लौकी से मुलाकात की, उनके सफर को जाना। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisandd@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा, सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आपकी मन की बात में जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल भी आती है यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती, जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूं। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।